इस मौसम में हमें इन 2% की औरतों ने घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि मौजूदा दौर में इस्लाम पर इतराजात करना और औरत के हकूक मांगना दौरे जाहिलियत की यादगार है। इस्लाम ऐसा दीन है जिसने औरत को न सिर्फ उसकी हकीकी जो है आजादी उससे रोशनास करवाया, बल्कि उसे उसका खोया हुआ मुकाम भी वापस दिलाया। जितनी इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है किसी मजहब ने नहीं दी। हकीकत में बात यह है कि जो इस्लाम खिलाफ लोग हैं ना, ये औरत का नाम लेकर औरत का जो तकद्दुस पमाल करना चाहते हैं। आज आजादी निस्वा के नाम पर ये अपने गलीज नजरियात की तकमील चाहते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल नहीं होने देंगे। और ये जो सड़कों पर निकलती हैं और लिबास से आजाद होने का मुतालबा करती हैं, हम इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम मरकजी जमीयत अहले हदीस शोबा खवातीन तमाम खवातीन जो है ये हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील करती हैं कि इस गैर महजब औरत मार्च पर फिल फॉर जो है पाबंदी लगाई जाए और इससे इस तूफान बदतमीजी को जल्दी से जल्दी रोका जाए। कि ये औरतें जो हकूक के निस्वा के नाम पे और तरक्की के नाम पे औरत को उसके मुकाम से गिरा रही हैं, हम उसको इस मुकाम से गिरने नहीं देंगे। ये माँ को उसके मुकाम से गिरा रही है, बेटी को उसके मुकाम से गिरा रही है, ऐसा कभी नहीं होगा और ना हम देने देंगे। दूसरा, ये बेहया फाशी चाहती है, वो भी ऐसा नहीं होगा। तीसरी चीज ये चाहती है कि औरत को आजाद कर दिया जाए, खावत की गिरफ्त से निकाल दिया जाए। कुरान कहता है रिजालु कव्वामूना अला निसा, कि मर्द हाकिम है, हम उसकी हाकिमियत को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे और वो मुहाफिज है, उसकी हिफाजत को कभी खत्म नहीं होंगे। अगर ये औरतें ऐसा करेंगी तो हम उसके मुकाबले में निकलते रहेंगे और इसकी मजम्मत करते रहेंगे। और हुकूमत से ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो इस बात की तरफ तवज्जो करे, जो इस्लाम ने हुकूक दिए वो औरतों को और खावत को वापिस करे। आज पूरे यानी के माशरे को ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह ये औरत का नारा निकला है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा बिल्कुल बेहुदा है, क्योंकि हम शरीयत के इस शरीयत पे चलने वाली औरतें हैं और अल्लाह के रसूल के हुक्मों की पाबंद हैं। हम ऐसी औरतें नहीं हैं कि बेहयाई को फरोग दें, हम ईमान वाली औरतें हैं, हम दौरे जाहिलियत वाली औरतें नहीं हैं। जिस तरह उन्होंने 10-10 मर्दों को अपने साथ रखा हुआ था, एक औरत ने, ऐसी औरत पे अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। उन्होंने इस दौरे जाहिलियत को खत्म किया हमारे नबी ने, आज हम उसी बात को ये औरतें दोहरा रही हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। जिस तरह ये कौम लूत का फेल चाहती है, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।